हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज आए हम मॉर्निंग ड्यूटी और आज हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। तो दोस्तों, हमने सुबह के नाश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे हमने बनाई है इडली और हम बनाने वाले हैं यहाँ पे परांठे, पूरी और बहुत ही बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं। और दोस्तों, विभिन्न प्रकार के आइटम्स हमने यहाँ पे बना के तैयार कर रखे हैं। और ये हमारे दीपक से क्या क्या बनाया है, कैसे आपने परांठे बनाए हैं, इस बारे में हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या मसाला इसमें डाला है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई। तो सर, आप बताएंगे कि हमने जो परांठे का जो मिक्सचर बनाए आपने, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली है? ऑनियन से सर, ऑनियन पटाटो। अच्छा, आपने बनाया हमने स्टफ पराठे के लिए। स्टफ पराठे के लिए जी सर। इसके बाद ये स्टफ पराठा की तैयारी कर रहे हैं सर हम। और स्टफ पराठा जी, ये पी किया जा रहा है सर। ठीक है सर, इस तरह से बनाए हैं दीपक सर पराठा। और देखो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे सेब हैं हमारे, जो कि इंडियन के सबसे अच्छे सेब हैं, जो बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम। इन दोस्तों बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन है। और ये देखो आप, कितनी अच्छी स्पीड से, कितना अच्छा परांठा हमारे सेब बनाते हैं। और ये परांठा बनते हुए तो दोस्तों, तब तक परांठा बनता है, तो दोस्तों जब तक परांठा बन के तैयार होता है तब तक चलते हैं हम इडली सेब के पास। ये है हमारे इडली सेब राणा जी पे, और ये बनाते हैं इडली सेब। आपने कैसे कैसे बनाया इडली, आप बताओ, इडली में आपने क्या क्या डाला सेब? इडली में सबसे पहले हम 1.5 किलो दही लेंगे। ठीक है जी। 1.5 किलो दही लेने के बाद हम इसमें 2 किलो सूजी, 2 किलो सूजी और 1 टेबल स्पून इनो। इनो ठीक है सेब। इस तरह से हमने इडली का बेटर बनाया है। और आगे से आपने क्या क्या किया है, आपने फिर इडली का बेटर इसमें भरा है, भरने के बाद आपने स्टीमर में पकाया। दोस्तों ये है हमारा स्टीमर मशीन, और इसमें हम डालते हैं इडली और इसमें हमारी इडली बन के तैयार हो जाती है स्टीम से। तो दोस्तों इस तरह से बन गई हमारी इडली और हमारे परांठे भी बनने को बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। हेलो सर, तो दोस्तों इस तरह से बन गया हमारा परांठा, तो परांठा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम निकालने वाले हैं परांठा। हमने परांठा बन के तैयार हो चुका है और हम दे रहे हैं अपने सर को परांठा के साथ एक सब्जी और इस तरह से पराठा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ नई नई आइटम आपको दिखाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।